स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेस 11 के स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है आज अभी एक भी जारी नहीं हुआ, क्योंकि 20 तारीख को एक दो स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हुए थे तो मैंने उसकी वीडियो आपको बना ही दी थी। ठीक है, फिलहाल कल जो है कल संडे था, उससे पहले सैटरडे था, तो इन दो डेट को कोई भी स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी नहीं होते हैं। और मेरे पास काफ़ी दिनों से बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनके जो है आप हमें कट ऑफ बता दो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होती है। क्योंकि भाई जब फेस 11 का रिजल्ट आया था तो मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी काफ़ी, तो वो मेरी जो है कट ऑफ जो है अधिकतर जो है सटीक बैठी थी। तो अब जो है फिर अब फेस 12 के रिजल्ट आए हैं तो बच्चों की मेरे पास फिर डिमांड आ रही है कि सर आप फेस 12 की भी कट ऑफ की वीडियो बनाओ कुछ पोस्टों की। तो जिन पोस्टों की जो मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रही थी, तो आज मैंने एक दो उनकी जो है वीडियो बनाई है। तो भाई वो जो पोस्ट है, एक पोस्ट है आपकी, सबसे पहली जो पोस्ट है वो है आपकी एमपी रीजन में थी। एमपी रीजन में एक पोस्ट है जिसकी काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि फिर मैंने एनालिसिस किया उसके ऊपर, एक दो दिन एनालिसिस किया पिछली कट ऑफ क्या थी। क्योंकि ये जो आपकी पोस्ट है ये एमपी रीजन में, इसका पोस्ट कोड है आपका MP 10624, इसका जो है पोस्ट कोड है। और ये पोस्ट थी आपकी गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर की, ये गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर की आपकी पोस्ट थी और ये फेस 11 में भी आई थी। ये क्या है, इसकी पोस्ट फेस 11 में भी आई थी। जब भी मैंने इसकी कट ऑफ के बारे में खूब एनालिसिस करा, क्योंकि जब पिछली बार में अगर कोई वैकेंसी आई है और इस बार अगर दोबारा आई है तो उसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो फेस 11 या ये फेस 12 की जो वैकेंसी होती है इनमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है। एक तो आपका रिजल्ट शो नहीं होता है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, इसलिए थोड़ा बहुत बच्चा क्या है कट ऑफ का ही अंदाज़ा लगाता है। तो इसलिए मैंने जो है क्या है इसकी जो है कट ऑफ की एनालिसिस करके वीडियो आपके पास साथ लाया हूँ। तो देखिए ध्यान से क्या इसकी इस पोस्ट की जो है कट ऑफ जाने वाली है। तो देखिए ये जो पोस्ट थी आपकी MP 10624, इसका पोस्ट कोड था। अगर सबसे पहले अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो भाई इसमें जो आपकी एससी की वैकेंसी थी, तो वो आपकी एससी की वैकेंसी इसमें मात्र केवल 6 वैकेंसी थी। कितनी थी? 6 वैकेंसी थी। अब आप देखिए 6 वैकेंसी पे इन्होंने कितने बच्चों को लिया है, 6 वैकेंसी पे इन्होंने लिया है समथिंग आपके 150 बच्चों को। एससी की 6 वैकेंसी थी उस पर इन्होंने 150 बच्चों को लिया है। ठीक है, और अब आप ये देखिए दूसरी है आपकी एसटी की वैकेंसी। एसटी की कितनी वैकेंसी थी, तो एसटी की मात्र इसमें केवल 5 वैकेंसी थी और इन्होंने 5 वैकेंसी पे 126 बच्चों को जो है क्या करा, इन्होंने सेलेक्ट किया है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ कि ओबीसी की कितनी वैकेंसी थी, तो भाई इसमें ओबीसी की जो आपकी वैकेंसी थी वो इसमें आपकी 15 वैकेंसी थी। ओबीसी की इसमें 15 वैकेंसी थी और 15 वैकेंसी पे इन्होंने 225 बच्चों को क्या करा है, इन्होंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, अगर मैं नीचे अगर आपकी और बात करता हूँ तो आपकी यूआर की कितनी वैकेंसी थी, तो भाई यूआर की जो इसमें वैकेंसी थी इसमें केवल 29 वैकेंसी जो है यूआर की थी, 29 वैकेंसी यूआर की थी और 29 वैकेंसी में इन्होंने 435 बच्चों को क्या करा है, सेलेक्ट करा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो अब आप पहली बार देखिए भाई, इनमें बच्चों का कोई भी समझ में नहीं आ रहा किस हिसाब से लेते हैं। वैसे ये कहते हैं कि हम 30 गुना लेते हैं, जैसे एससी में अगर 6 वैकेंसी है तो 6 वैकेंसी में इन्होंने 150 बच्चों को लिया है। ठीक है, तो 6 बच्चों में इन्होंने जो है 150 को लिया है। 3 × 18 होते हैं, अगर 30 के हिसाब से लेते हैं तो इसमें फिर भी आपके 180 लेने चाहिए, इन्होंने 150 लिया है। आगे भी मैंने औरों पे भी एनालिसिस कराया, तो थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस रहता है, जिस हिसाब से बताते हैं उस हिसाब से नहीं रहता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है ये लेवल 4 की पोस्ट है और इसमें मांगा गया था कि NCC से आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCC से अगर इन्होंने सी सर्टिफिकेट मांग लिया है तो ये एक अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर होती है इस वैकेंसी में, क्योंकि मैंने पिछली बार देखा है काफ़ी बच्चों को इन्होंने इस चक्कर में रिजेक्ट भी किया है, क्योंकि बच्चों पे NCC सर्टिफिकेट रहता नहीं है और वो फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं कि बाद में हम बनवा लेंगे कहीं से भी, तो भाई वो नहीं बनता है और सीधा स्क्रूटनी में आपको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ कि भाई अब इनकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो मेरे हिसाब से जैसा मैंने पिछली बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का एनालिसिस किया है, ठीक है, उससे पहले भी देखा है मैंने क्या क्राइटेरिया रहा है और भाई थोड़ा बहुत अंदाज़ा है बट बिल्कुल सटीक बैठता है ये। इतने इस रेंज में आप अगर आपके मार्क्स हैं तो आप जो है सेफ़ है। अगर मैं एससी की कट ऑफ बताऊँ तो एससी की मेरे हिसाब से जैसे ये 69 पर गई है, तो अगर आपके 90 नंबर हैं,
अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो आप क्या है एक सेफ जोन की कैटेगरी में आ जाते हो। अगर आपके 90 नंबर है तो भाई आप जो है सेफ जोन की कैटेगरी में हो, ये आप ध्यान रख लो, आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं। अगर एसटी है, एसटी की वैकेंसी अगर एसटी की अगर 40 गई है तो भाई अगर आपके नंबर 65 प्लस हैं, अगर आपके नंबर 65 प्लस हैं तो आप एक सेफ जोन की कैटेगरी में आते हैं। बट अगर आपके इससे कम नंबर है तो भाई आप डेंजर जोन में हो, बिल्कुल डेंजर जोन में है। मेरी बात जो है ध्यान कर लेना, क्योंकि काफ़ी है जो है एक्सपीरियंस है मेरे पास फेस 11 फेस 12 का, भाई ये इसी पे ही वीडियो बनाता ही हूँ मैं, आप देख लेना जाके प्ले लिस्ट में, ठीक है, यही पे ही एनालिसिस मैंने किया है। अगर मैं बात कर लेता हूँ कि आपकी ओबीसी की कट ऑफ, ओबीसी की 99 पे कट ऑफ गई है, अगर आपके ओबीसी में 125 प्लस मार्क्स हैं तो आप क्या है एक सेफ जोन की कैटेगरी में आप जो है आते हो, ठीक है भाई। ओबीसी में 125 नंबर अगर आपके हैं तो आप क्या आ रहे हो सेफ जोन की कैटेगरी में जा आ रहे हो। बट भाई 125 से अगर कम है तो आप सही में आप जो है रिस्क पे हो, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ नीचे यूआर की, सबको यूआर की जो है ज़्यादा जल्दी होती है क्योंकि एक तो वैकेंसी ज़्यादा होती है इसमें और कट ऑफ भी जो है ठीक ठाक जाती है। बट इसमें एनसीसी का सी सर्टिफिकेट मांगा गया था इसलिए कट ऑफ इसकी क्या गई है 115 गई है। बट 115 कट ऑफ जाने का कारण ये था कि इन्होंने कितने बच्चों को सेलेक्ट किया है, आप इन्होंने 435 बच्चों को लिया, 435 बच्चे बहुत बड़ी रेंज होती है जिसमें इनको जो है लिया गया है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके 140 प्लस मार्क्स हैं, 140 प्लस मार्क्स हैं इसमें, जब जाके आपके सेफ कैटेगरी में आप आ सकते हो। बट अगर आपके इससे कम है, 140 से कम है तो भाई आप डेंजर जोन में हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसकी कट ऑफ 140 समथिंग तो होगी ही आपकी, ठीक है, इससे कम पे भाई बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी। ये थी इस पोस्ट की जो है कट ऑफ की वीडियो, ठीक है। बाकी भाई और भी पोस्ट है आप मुझे कमेंट कर देना, अगर और भी किसी पोस्ट का अगर वीडियो बनाना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो तो भाई मुझे कमेंट कर देना, और ठीक है, और चैनल से जुड़ जाना आगे की अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।